नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन 11 और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबर आ रही है कि पटना की एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें वो अपने दर्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा करते नजर आ रही है, जिसमें महिला चिट्ठी के माध्यम से अस्पतालों का हाल बयां किया है, जिसमें उसने अपने पीड़ा को विस्तार में जिक्र करते हुए लिखा है। महिला ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हाल का जिक्र करते हुए लिखा है कि अस्पताल का हाल ऐसा है कि महिलाओं को जमीन पर ही ऑपरेशन कर दिया जाता है, उन्हें बेड तक मुहैया नहीं कराया जाता है। साथ ही सरकार से गुजारिश करते नजर आ रही है कि सरकार इस विषय पर उचित कदम उठाए और मामले की तह तक जांच करे। महिला ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से नशबंदी कराने के बाद भी मैं फिर से गर्भवती हो गई हूँ। हालांकि मेरे बच्चे हैं जिनका मैं सही तरीके से लालन पोषण कर सकूं, इसलिए नशबंदी कराया था, लेकिन अस्पताल वालों ने उनका ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया है, जिसकी वजह से वो दूसरी बार गर्भवती हो गई है। हालांकि महिला ने यहां तक बोला है कि मैंने इस बात की शिकायत अस्पताल प्रशासन से की तो उल्टे मेरे ऊपर ही दोष मढ़ दिया गया है। वही महिला ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हाल का जिक्र करते हुए लिखा है कि अस्पताल का हाल ऐसा है कि यहाँ महिलाओं को जमीन पर ही ऑपरेशन कर दिया जाता है और उन्हें बेड तक मुहैया नहीं कराया जाता है। और इन सब में बड़ी बात यह है कि यहाँ घंटे भर के अंदर कई महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया जाता है। महिला का कहना है कि उचित कदम उठाते हुए अस्पताल की व्यापक कुल व्यवस्था की जाँच करे और मुझे उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करे। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।